गेस्ट हाउस कांड की वो कहानी जिसके बाद मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। मुलायम सिंह यादव का इशारा मिलते ही मायावती पर हमला हो चुका था, लेकिन इससे पहले मायावती के कमरे में सपा के समर्थक घुसते ही मायावती का वो धाकड़ भाई चट्टान की तरह अकेले ही बहन मायावती को बचाने के लिए आ गया था। 2 जून 1995 की रात गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव को गेस्ट हाउस कांड क्यों करवाना पड़ा था। 1993 की बात है, बीजेपी को हराने के लिए मुलायम सिंह यादव और काशी राम ने एक साथ चुनाव लड़ा। इसके बाद सपा बसपा की 1993 में यूपी में सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मायावती इस फैसले से खुश नहीं थी। कहते हैं उस दौरान काशी राम मुलायम सिंह यादव को मिलने के लिए बुलाते थे और आधा आधा घंटे इंतजार करवाते थे। मायावती किसी भी हालत में मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहती थी। उधर बीजेपी बीएसपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई थी। मायावती को लगा अब वो मुलायम सिंह यादव को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इसके बाद वो तारीख आई जो मायावती की जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। 2 जून 1995 मायावती लखनऊ के मीराबाई रोड के गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। बीएसपी के विधायकों के साथ मायावती मुलायम सरकार को गिराने के लिए समर्थन वापसी पर चर्चा कर रही थी, लेकिन इसी बीच मुलायम सिंह यादव को भनक लग गई कि मायावती गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ उनकी सरकार गिराने के लिए बैठक कर रही हैं। पता लगते ही मुलायम सिंह यादव गुस्से से आग बबूला हो गए। 10 मिनट के अंदर ही मुलायम सिंह यादव ने बड़े बड़े बाहुबली और अफसरों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद करीब 200 सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। सपा के कार्यकर्ताओं को गेस्ट हाउस के अंदर घुसने के लिए बीएसपी के विधायकों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट शुरू हो गई। पुलिस को सीधा आदेश मिल गया था कि कुछ भी नहीं करना है। पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रही थी और सपा समर्थक गाली गलौज करते हुए मायावती को खोज रहे थे। कहते हैं कि लखनऊ एसएसपी उस दौरान वहीं पर मौजूद थे और वो वहीं पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। सपा समर्थकों को जिला मजिस्ट्रेट ने रोकने की कोशिश की तो मुलायम सिंह यादव ने उसी रात उनका तबादला कर दिया। इधर बीएसपी के विधायकों के कहने पर ही मायावती गेस्ट हाउस के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। कमरे के अंदर मायावती छिपी थी और बाहर मायावती को पकड़ने आए सपा के सैकड़ों समर्थक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले मायावती को सपा समर्थक दरवाजा तोड़कर पकड़ पाते, बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपनी जान दांव पर लगाकर मायावती को बचाने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का उस वक्त बहुत बड़ा नाम था, आने वाले वक्त में बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। यही वजह थी कि उनके ऊपर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। जब पुलिस वहां पर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी उस वक्त ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मौत के मुंह से मायावती को बचाया। इस घटना के बाद मायावती बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मान लिया था। मायावती ने कभी भी बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ अपनी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। 2 जून को हुए गेस्ट हाउस कांड के अगले ही दिन मायावती को बीजेपी ने खुलकर समर्थन दे दिया। इधर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होने लगा। इसी दौरान मायावती 29 साल की उम्र में पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बन गयी। जो लोग जातिवाद के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें गेस्ट हाउस कांड को जरूर याद कर लेना चाहिए। जब सपा समर्थकों ने एक दलित महिला मायावती के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, उसी दौरान बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान दांव पर लगाकर उनकी रक्षा की थी। शायद यही वजह कि मायावती हमेशा बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वैसे गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ जो बर्ताव किया गया उसे लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।